हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। रिपोर्ट में डानी और उसके शेयरों में उठापटक को लेकर खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है, इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हालांकि सभी इन्वेस्टिगेशन को एक तय वक्त में पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता है कि अडानी पर शेयरों की जोड़ तोड़ के लगाए गए आरोपों में सेबी की तरफ से कोई फेल्योर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए गए पैनल ने कहा कि सेबी 2020 से ही अडानी ग्रुप में FPIS के इन्वेस्टमेंट की जांच कर रहा है और इसमें 13 FPIS उसकी जांच के दायरे में आए हैं। हालांकि इनके बेनिफिशियरी ओनर्स का पता सेबी को नहीं चल पाया है। इन इकाइयों के अडानी ग्रुप के साथ क्या रिश्ते हैं और क्या अडानी ग्रुप के प्रमोटरों का पैसा ही ये FPI अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा रहे थे, इसे लेकर भी अभी संदेह है और इसमें भी कोई पुख्ता नतीजा सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर फिलहाल इस रिपोर्ट को अडानी ग्रुप और सेबी के लिए राहत माना जा सकता है। हालांकि सेबी को हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों की जाँच के लिए 14 अगस्त तक का वक्त दिया गया है और इस रिपोर्ट में ही पता चल पाएगा अडानी ग्रुप पर लगाए गए धांधलियों के आरोपों में कितना सच है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को 2023 रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था और अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप भी लगाया था। हालांकि हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया था, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई। अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जो कि अडानी को राहत देने वाली है। रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी के पास अभी भी 13 विदेशी संस्थाओं और प्रबंधन के तहत संपत्ति के लिए 42 योगदानकर्ताओं यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। रिपोर्ट सेबी को ये तय करने के लिए छोड़ती है कि क्या 13 संस्थाओं जिनकी जाँच लंबित है उसमें क्या कोई और मामला बनाया जाना है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी की कंपनियों के शेयर ओवरवैल्यूड हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियां 85% से ज्यादा ओवरवैल्यूड हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में भारी गिरावट आई। बीते साल सितंबर 2022 में गौतम अडानी की नेटवर्थ तेजी से बढ़ते हुए $150 अरब पर जा पहुंची थी और वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की कुर्सी तक पहुंच गए थे। लेकिन फिलहाल अडानी टॉप 20 से भी बाहर है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।